श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जैसा कि अपन पिछली क्लास में कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और न्याय व्यवस्था पढ़ी थी, अब अपन इस क्लास में कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे। कौटिल्य ने जो अपनी परराष्ट्र नीति है या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में एक सिद्धांत दिया था जिसको मंडल सिद्धांत कहते हैं। और इस मंडल सिद्धांत, मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त, मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त। और इसमें ये 12 राज्य मानता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उससे संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत है। इसका अर्थ क्या होता है, तो राज्यों का वृत्त। और कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कितने राज्य आते हैं, तो 12 राज्य आते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो कौटिल्य का जो अपने ये मंडल सिद्धांत दिया, इसमें सबसे पहले इसने एक राज्य को बताया है जिसका नाम है विजिगीसु। जो राज्य बताया है विजिगीसु, और विजिगीसु राज्य वो है जो अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखता है। विजिगीसु राज्य हमेशा यही चाहता है कि मेरा राज्य है उसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए उसे मतलब जीतने की इच्छा, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा, इसलिए इसे विजिगीसु कहा जाता है। एवं भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान है वो मंडल के मध्य में होता है, हमेशा इसका स्थान है मंडल के मध्य में होता है। अब अपन विजिगीसु ये हो गया मंडल के मध्य में, इसके जो विजिगीसु जो ये राज्य है इसके जो सामने वाला भाग है इसमें जो राज्य होता है उसे अरी कहते हैं। और ये अरी राज्य है ये विजिगीसु का शत्रु होता है, जिसकी सीमा राज्य से लगती है वो अपने राज्य से, राज्य का शत्रु होता है। तो विजिगीसु के जिस राज्य की सीमा लगती है या सामने वाला राज्य है वो अरी कहलाता है, क्योंकि ये विजिगीसु का शत्रु होता है। अब जो अरी के जिस राज्य की सीमा लगती है या अरी के सामने वाला राज्य है इसको मित्र कहते हैं, क्योंकि ये विजिगीसु जो राज्य है इसका मित्र होता है। अब जो मित्र राज्य है इसके सीमा है वो अरी मित्र राज्य की लगती है, क्योंकि ये मित्र राज्य का तो ये शत्रु है परंतु अरी राज्य इसका मित्र है, तो ये मित्र राज्य का शत्रु है इसलिए ये विजिगीसु राज्य का भी शत्रु है। अरी मित्र के जो सामने वाला राज्य है वो मित्र राज्य कहते हैं उसे, और मित्र राज्य ये मित्र राज्य का मित्र होता है इसलिए विजिगीसु राज्य है इसका भी मित्र होता है। मित्र से आगे वाला राज्य है इसे अरी मित्र मतलब ये अरी जो मित्र राज्य है इसका मित्र होता है, परंतु ये मित्र राज्य और मित्र का ये शत्रु होता है इसलिए विजिगीसु का भी शत्रु है। ये तो सामने वाले राज्य है। अब इसके पीठ के पीछे वाले राज्य जो विजिगीसु है इसके पीठ के पीछे वाले राज्य, तो पीठ के पीछे या इस तरफ वाले पीछे की तरफ वाले राज्य, सबसे पहला है पार्श्नी ग्रह, और पार्श्नी ग्रह का मतलब होता है पीठ का शत्रु, पीठ का शत्रु होता है ये विजिगीसु के नीचे पार्श्नी ग्रह, और पार्श्नी ग्रह के नीचे होता है आक्रांदा, और आक्रांदा होता है ये पीठ का मित्र, आक्रांदा है ये विजिगीसु राज्य का पीठ का मित्र होता है। पार्श्नी ग्रह सार ये जो पार्श्नी ग्रह राज्य है इसका मित्र होता है, और आक्रांदा सार ये आक्रांद का मित्र होता है इसलिए विजिगीसु का भी ये मित्र होता है। तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने जो अपना मंडल सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से राज्यों के संबंध होते हैं, इस मंडल सिद्धांत का मतलब होता है राज्यों का वृत्त, और इसमें कितने राज्य आते हैं, तो 12 राज्य आते हैं, और इसके मध्य वाला राज्य विजिगीसु के जो सामने वाले भाग में स्थित राज्य अरी ये इसका शत्रु होता है, आगे वाला मित्र ये मित्र होता है, अरी मित्र ये अरी का मित्र होता है, उसके आगे मित्र और उसके आगे वाला अरी मित्र, इसके पीठ के पीछे की तरफ पार्श्नी ग्रह जो पीठ का शत्रु होता है, पार्श्नी ग्रह के बाद में आक्रांदा जो पीठ का मित्र होता है, पार्श्नी ग्रह सार जो पार्श्नी ग्रह का मित्र होता है, और आक्रांदा सार जो आक्रांद का मित्र होता है। और उसके बाद में एक राज्य बताया ये मध्यम राज्य वो होता है जो विजिगीसु और अरी जो राज्य है इन दोनों से इसके सीमा लगती है, उस राज्य को मध्यम राज्य कहते हैं। और मध्यम राज्य है ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, मध्यम राज्य है ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, और इसके विजिगीसु राज्य और अरी राज्य इन दोनों की सीमा लगती है। और इन राज्यों में विजिगीसु राज्य और उदासीन राज्य और
मध्यम, ये तीनों राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य है वो मध्यम राज्य होता है। इसके विजिगिसु और अरी की सीमा लगती है, मित्र और अरिमित्र के जो सीमा लगती है वो राज्य होता है उदासीन। ये युद्ध की स्थिति में तटस्थ रहता है, एकदम मौन बैठा रहता है। तो ये अपन ने मंडल सिद्धांत पढ़ा है और मंडल सिद्धांत में ये अपन ने 12 सिद्धांत पढ़े हैं, कौटिल्य के जो 12 राज्य पढ़े हैं ये अपन। तो ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था। अब अपन कौटिल्य की जो नीतियां है जिसे षाडगुणी नीति कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य की षाडगुणी नीति, ये अपनी 6 नीति है उनके बारे में बताता है कि किस प्रकार से अपने को विदेशी राज्य है उनसे संबंध रखने चाहिए। तो ये 60 गुणी नीति है, ये 6 जो नीतियां इनके माध्यम से बताता है। कौटिल्य वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद सिद्धांत, वास्तविकता की बात करता है। जिस प्रकार वर्तमान में हमारी नरेंद्र मोदी सरकार है वो वास्तविकता की बात करते हैं, वैसे अपने पास वास्तविक क्या है, वास्तविक शक्ति क्या है, उसकी उसी प्रकार से अपने को जो पर राष्ट्र है या दूसरे देश है उनसे संबंध बनाने चाहिए। तो अपन जो षाडगुणी नीति पढ़ रहे हैं इसमें जो सबसे पहले है वो है संधि। तो सबसे पहले अपन ने जैसे मंडल सिद्धांत पढ़ा था, राज्यों का वृत्त पढ़ा था, इसके माध्यम से सबसे पहले संधि, मतलब जो भी दूसरे राज्य है इससे दूसरे राज्य, दो राज्य है आपस में परस्पर संधि स्थापित करते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं, आपस में समझौता करते हैं, इसे संधि कहते हैं। दूसरा जो इसकी षाडगुणी नीति है वो है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग होना, युद्ध करना। तो विग्रह इसका मतलब युद्ध करना या अपना जो शत्रु है उसके ऊपर युद्ध की नीति अपनाना। तीसरा है षाडगुणी नीति का पक्ष यान, और यान का मतलब होता है वास्तविक आक्रमण। वास्तविक आक्रमण से अगर कोई राज्य है मनमानी करता है, राज्य की बात नहीं मानता है, तो उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, यान का मतलब होता है वास्तविक आक्रमण। चौथा है आसन, षाडगुणी नीति इसका चौथा प्रकार है वो आसन है। और आसन का मतलब यही है कि जो अपना राज्य है कोई अगर विशेष परिस्थिति आ जाए आपस में पड़ोसी राज्यों के, तो उस समय मौन बैठ जाना है, मतलब आसन लगा के बैठ जाना है। किसी विशेष परिस्थिति आ जाए उसमें अपने को निर्णय नहीं लेना है। दो पड़ोसी राज्य है वो अगर आपस के अंदर किसी बात को लेकर उलझ रहे हैं तो वहां पर आसन लगाकर मतलब मौन बैठ जाना है और अपना जो उचित समय है उसका इंतजार करना है। कौटिल्य की जो षाडगुणी नीति का जो पांचवा रूप है वो है संसरीय। संसरीय का मतलब होता है किसी दूसरे का आश्रय लेना, और आश्रय अपन उसी का लेंगे जो शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, ताकतवर होगा, उसी का अपन आश्रय लेंगे। जिस प्रकार से भारत ने अगस्त में अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त किया तो विभिन्न जो दुनिया के शक्तिशाली देश है उन वो भारत की ओर थे, तो विश्व समुदाय में पाकिस्तान और चीन है वो अलग थलग पड़ गए थे। तो संसरीय का मतलब यही है अपने से बलवान या अपने से शक्तिशाली है या अपने से जो ताकतवर देश है उसका आश्रय लेना और उसके सम्मुख समर्पण कर देना। अगला है द्वेधी भाव। षाडगुणी नीति का जो छठा प्रकार है वो है द्वेधी भाव। द्वेधी भाव का मतलब होता है एक राज्य के प्रति शत्रुता और दूसरे राज्य के प्रति मित्रता, दोहरी नीति अपनाना द्वेधी भाव है। इसमें एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति युद्ध की नीति अपनाना ही द्वेधी भाव है। और इसमें राजा है अपनी सेना को दो भागों में बांट लेता है। और इस प्रकार से ये कौटिल्य की षाडगुणी नीति है जिसमें ये 6 नीतियां बताता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत है इसमें यथार्थवाद मतलब वास्तविक हमारे पास शक्ति क्या है इसका है ये प्रतिपादक है। इसने जो ये षाडगुणी नीति है इसके 6 प्रकार बताए। पहला संधि, आपस में समझौता करना। दूसरा विग्रह, युद्ध।
तीसरा यान वास्तविक आक्रमण करना, चौथा आसन विशेष स्थिति में आसन लगाकर बैठ जाना या मौन बैठ जाना, उचित समय का इंतजार करना, पांचवा है संसर्य, संसर्य का मतलब आश्रय लेना बलवान या शक्तिशाली का, और अगला है द्वेधी भाव, एक से मित्रता और दूसरे से शत्रुता। इस प्रकार की नीति को साठ गुणे नीति कहा जाता है। अब अपने ये अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसका संचालन करने के लिए कौटिल्य ने चार उपाय बताए हैं कि इन चार उपायों के माध्यम से अपनी जो परराष्ट्र नीति है, अपनी जो विदेश नीति है, इसका संचालन करना चाहिए। तो चार उपाय ये कौटिल्य है, चार उपाय कौन कौन से बताता है। तो पहला है साम, अगर कोई अपने मंडल सिद्धांत पढ़ा था जो राज्यों का वृत्त है जिसमें इसने 12 राज्य बताए थे, तो अगर पड़ोसी राज्य है तो अगर इनको अपनी बातें कैसे मनानी है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए जो चार तरीके बताता है, इसमें पहला साम, साम का मतलब होता है शांति से समझाना बुझाना, संधि कर लेना, अगले को अपनी बात मनाने के लिए अपन शांति से समझाएंगे, साम। दूसरा है दाम, दाम का मतलब है किसी राज्य को अपने पैसे देकर या संपत्ति देकर उसको अपनी बात मनाने के लिए बाध्य कर देंगे या धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लेंगे। तो पहला साम, दूसरा दाम, तीसरा दंड, दंड है इसमें किसी राज्य के विरुद्ध अपन बल का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बार बार अपने ऊपर हमला करता है तो भारत भी बाद में है वो अपना ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने के लिए अपने दो बार अपने ऑपरेशन किए हैं। तो जैसे अभिनंदन है अपना भारत में और पाकिस्तान में रह गया था, तो ये दंड है मतलब उसे वास्तविक रूप से उसके ऊपर उसे युद्ध करना। साम, दाम, दंड और भेद, अगला जो उपाय है वो भेद है, और भेद का मतलब यही है उस राज्य के जिस राज्य से अपने शत्रुता है उसके मित्रों को उसका शत्रु बनाना, उसकी मित्रता तोड़वाना, और अपने जो शत्रु राज्य है उसके भेद, उसके जो आंतरिक है उन बातों का पता लगाना, गुप्तचरी करवाना या जासूसी करवाना, ये भेद कहलाता है। तो ये चार उपाय बताए, शांत, साम, दाम, दंड और भेद। अब अपन कौटिल्य के जो सामाजिक विचार है कि कौटिल्य है इसका सामाजिक विचार क्या है, तो अपन ने पढ़ा था कौटिल्य ने भी मनु की भांति जो सामाजिक व्यवस्था है उसी का इसने वर्णन किया है कि समाज में चार वर्ग हो गए, ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य और शूद्र, और प्रत्येक समाज के लोग है अपने वर्ण के अनुसार, और उसको बाद में उसने अवस्था में बांट दिया, सबसे पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक व्यक्ति है इन सामाजिक व्यवस्था है इनका पालन करेंगे। अब कौटिल्य की जो वर्ण व्यवस्था है मनु की तुलना में उदार है, मनु है उसकी तुलना में थोड़ी नरम है, क्योंकि कौटिल्य कहता है कि उसने, कौटिल्य कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हो गया है और अगर उसका आचरण ब्राह्मण कुल के अनुसार नहीं है तो वो व्यक्ति भी शूद्र बन सकता है, और अगर किसी का शूद्र कुल में जन्म हो गया और उसके अगर ब्राह्मण कुल के अनुसार आचरण है या क्षत्रिय कुल के अनुसार आचरण है तो उसकी वर्ण है उसका परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब है कौटिल्य यहाँ पर कर्म के आधार पर जन्म जात व्यवस्था का इसने है वो जन्म जात व्यवस्था है इसका समर्थन नहीं किया है, यहाँ पे मनुष्यों के कर्म के आधार पर जिस प्रकार से कर्म योग की बात करता है ये कि कोई भी व्यक्ति जन्म है उसका किसी भी कुल या किसी भी वर्ण में हो सकता है, परंतु वो अपने कर्म के साथ अपना जो कुल है या वंश है उसका परिवर्तन कर सकता है, तो ये बात कही है इसने। इसके बाद में कौटिल्य ने महिलाओं के लिए भी एक बात कही है, कौटिल्य कहता है कि या आचार्य विष्णुगुप्त कहता है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को भी राज्य का उत्तराधिकार, मतलब महिलाएं हैं वो भी राजकाज संभाल सकती है, महिलाओं को भी राज्य का उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए।
तो ये इस बात का समर्थन करता है कि महिलाएं हैं, इनको भी उत्तराधिकार संबंधी अधिकार है, वो मिलनी चाहिए। इसी के साथ कोटिले जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य का शासन संचालन करने के लिए कुशल संचालन है, इसके करने के लिए राज्य को अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना पड़ता है। जैसे अपने अभी अलग अलग मंत्री होते हैं, ये गृह मंत्री है, ये विदेश मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, ये मानव संसाधन मंत्री है, तो ऐसे ही कोटिले ने अपने जो अर्थशास्त्र है उसमें 18 विभागों की चर्चा की है। ये क्वेश्चन बार बार आया है, कोटिले ने कितने प्रशासनिक विभागों की चर्चा की है, तो 18 विभागों की राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने के लिए 18 विभागों में या 18 मंत्रियों के माध्यम से बंटा होना चाहिए, ताकि अपन प्रशासन है आराम से या सुचारू रूप से संचालित कर सके। अब कोटिले ने विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को दो भागों में, राज्य है इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक तो है दुर्ग राजधानी और दूसरा है जनपद। जनपद का मतलब होता है प्रशासनिक इकाई। अपने पढ़ा था सबसे पहले उसने 10 गांवों को मिलाएगा, फिर 100 गांवों को, 200 गांवों को, 400 गांवों को, 800 गांवों को, मतलब ये एक प्रशासनिक इकाई है। तो अपने राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटता है, दुर्ग जो राजधानी, दूसरी जनपद जो प्रशासनिक इकाई। अब सैन्य बल कोटिले है, वो सैन्य बल अपने को पता ही है कि किसी भी देश है उसकी ताकत है वो सेना ही है। वर्तमान समय में अपन बात करते हैं भाई संयुक्त राज्य अमेरिका ताकतवर है, तो ताकतवर होने का कारण क्या है, उसकी सेना है, वो सभी रूपों में तकनीक रूप से है, वो मजबूत है, इसकी कारण ही वो देश ताकतवर है। तो ये सेना की भी किसी भी राज्य है शक्तिशाली वो तभी होगा जब उसके पास सेना होगी। तो कोटिले ने सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है कि सैन्य बल है वो राज्य के लिए बहुत जरूरी है, और अन्य भारतीय आचार्यों की भांति चतुरंगी सेना का, कोटिले ने चतुरंगी मतलब सेना के 4 अंगों का वर्णन करता है कि किसी भी राज्य के पास शक्तिशाली बनने के लिए या अपने जो पड़ोसी राज्य है उनसे मुकाबला करने के लिए चतुरंगी मतलब ये सेना के 4 अंग है ये होना चाहिए। और ये सेना के 4 अंग कौन कौन से है, तो पैदल सैनिक, दूसरो अश्व या घोड़ा सैनिक, तीसरा है वो हाथी, और चौथा है रथ सेना। 4 प्रकार की सेना की बात करता है ये, पैदल सैनिक, दूसरा हाथी और घोड़े, और तीसरा चौथा है वो रथ सैनिक। तो चतुरंगी सेना है इसकी बात करता है, और ये सेना है तभी है वो कोई राज्य है वो तभी ताकतवर होगा जब उसके पास ये 4 प्रकार के सैनिक होंगे, और इसी से सेना की वजह से ही उस राज्य की ताकतें बढ़ेगी। अब कोटिले साथ में यही बात कहता है कि सेना मुख्यतः सिर्फ किस वर्ग की होनी चाहिए, क्षेत्रीय वर्ग की होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों की बात करता है, और इसमें ये काम जो सैनिक सेना वर्ग किसका है, क्षेत्रीय वर्ग का ही है। तो सेना कोटिले कहता है कि सेना मुख्यतः क्षेत्रीय वर्ग की होनी चाहिए, किंतु आवश्यक होने पर इसमें वैश्य एवं शूद्र है, वैश्य एवं जो शूद्र है इनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगर हमारे को कभी आपात स्थिति पड़ गई या जरूरत पड़ गई तो वैश्य और शूद्र है इनको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु ब्राह्मण है इनको इन्होंने सर्वता, ब्राह्मण है इनको इन्होंने सर्वता है वो अनुपयुक्त समझा है। कहने का मतलब है कोटिले कहता है कि ब्राह्मणों को कभी भी सेना में शामिल नहीं करना चाहिए। कोटिले ये मानता है कि सेना वैसे विशेषतया क्षेत्रीय वर्ग की होनी चाहिए, आपात स्थिति आ जाए अगर सेना कम पड़ जाए तो वैश्य एवं शूद्र है इनको अपन शामिल कर सकते हैं, पर ब्राह्मणों को कभी भी सेना में शामिल नहीं करना चाहिए। ये बात कौन मानता है, ये बात कोटिले कहता है। कोटिले कहता है कि अगर अपन युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध है ये 3 प्रकार से लड़ा जाना चाहिए।
कौटिल्य तीन प्रकार के युद्धों की या तीन प्रकार के युद्ध की चर्चा करता है कि युद्ध है, कोई भी राजा या कोई भी राज्य है वो तीन प्रकार से लड़ सकता है। तो कौटिल्य कहता है शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास तीन प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए, उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति व मंत्र शक्ति। राजा है उसमें उत्साह होना चाहिए, अपने जो सैनिक और प्रजा इसमें प्रभाव होना चाहिए, और मंत्र अगर अपने सैनिकों को कह दे तो सैनिक राजा की बात मानने वाले होने चाहिए। तो ये तीन प्रकार की शक्ति है ये मान रहा है। उत्साह शक्ति का तात्पर्य सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभाव शक्ति है इसका मतलब होता है शस्त्र सामग्री होनी चाहिए, और मंत्र शक्ति है इसका मतलब होता है मंत्रणा या कूटनीति। सेना है इसमें मंत्रणा और कूटनीति। अब कौटिल्य युद्ध के तीन प्रकार बताता है। पहला युद्ध है वो है प्रकाश या धर्म युद्ध। पहला है प्रकाश या धर्म युद्ध, जैसा इसके नाम से विदित होता है कि धर्म युद्ध मतलब धर्म के अनुसार युद्ध करना। ये पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल में नियमानुसार धर्म के अनुसार युद्ध करती है। दूसरा कौटिल्य युद्ध का प्रकार है वो बताता है कूट युद्ध। कूट युद्ध में कौटिल्य कहता है कि यह छल कपट। कौटिल्य कहता है कि कूट युद्ध इसमें छल कपट, धन है, लूटमार है, अग्निदाह है, इन सभी का साथ ले सकते हैं। तीसरा जो कौटिल्य युद्ध का प्रकार बताता है ये बताता है तूष्णी युद्ध। और तूष्णी युद्ध है ये भी जो दूसरा युद्ध है कूट युद्ध छल कपट इसकी भांति किया जाता है। और तूष्णी युद्ध में सेनाएं विभिन्न प्रकार के विष जैसे जहर देना, विष सदृश साधनों का प्रयोग कर सकती है। तो कौटिल्य इन तीनों युद्धों में जो उचित युद्ध मानता है वो प्रकाश या धर्म युद्ध को मानता है, इनको ये निकृष्ट श्रेणी के युद्ध मानता है। कौटिल्य के अपने युद्ध पढ़ लिए। अब कौटिल्य और प्लेटो है, इन दोनों विचारकों में क्या समानता है? जिस प्रकार से प्लेटो पाश्चात्य राजनीति विचारक का महान विचारक है, तो कौटिल्य और प्लेटो प्लेटो है वो प्राचीन यूनान का महान दार्शनिक था। तो कौटिल्य है ये भारत का सबसे प्रमुख शास्त्री। जिस प्रकार से प्लेटो है यूनान का महान दार्शनिक था, तो कौटिल्य है ये भारत का प्रमुख राजनीति शास्त्री था। दोनों ही राज्य को एक सावे संगठन मानते हैं। जिस प्रकार से कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसी प्रकार से दोनों ही जो ये सावे संगठन है इस माना गया है। प्लेटो ने राज्य को मात्र राजनीतिक संगठन नहीं मानता है, वरन ये मानता है प्लेटो कि राज्य है नैतिक सावे बताया है जिसके अंतर्गत रहकर ही मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। प्लेटो है वो आदर्शवादी विचारक था। वो कहता था कि किसी भी राजा को इस प्रकार होना चाहिए ताकि उसकी प्रजा है वो भी इसी प्रकार हो। तो कौटिल्य ने भी व्यक्ति जीवन के उद्देश्यों धर्म अर्थ और काम इनके अनुसार है वो प्राप्ति करता है। प्लेटो और कौटिल्य दोनों किसी न किसी रूप में वर्गीय व्यवस्था के समर्थक है। दोनों ही जो वर्गीय व्यवस्था है उसका समर्थन कर रहे हैं। प्लेटो ने अपने समाज को तीन वर्गों में बांटा है। अपन इसने एक तो बताया था कि भाई
सैनिक वर्ग है, एक उत्पादक वर्ग है और एक राजकार्य संचालन करने वाला वर्ग है, तो तीन वर्गों में बांटा था। तो कौटिल्य है, कौटिल्य ने प्लेटो ने सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के कर्तव्य को निश्चित किया है, तो कौटिल्य है वो वैदिक वर्ण व्यवस्था को मानता है। कौटिल्य है वो वैदिक वर्ण व्यवस्था को मानता है और वैदिक वर्ण व्यवस्था अपने पढ़ाए के समाज है, इसमें चार वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार से जो समाज है, दोनों ने समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है अलग अलग अपने प्रकार से बांटे हैं। अब कौटिल्य और प्लेटो दोनों में असमानताएं क्या है, ये तो समानताएं थी, तो असमानताएं क्या है? प्लेटो का दृष्टिकोण है वो, प्लेटो का जो सोचने का नजरिया है वो आदर्शवादी, ये आदर्शवादी सिद्धांत का पक्षधर है, जबकि कौटिल्य वो यथार्थवाद की, वास्तविकता की बात करता है कि वास्तव में हमारे पास क्या है, वास्तव में राज्य है, इसको किस प्रकार से संचालन करना चाहिए, वास्तविकता की बात कौटिल्य करता है तो प्लेटो आदर्शवाद की बात करता है। प्लेटो ने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के समान ही भाग लेने का अधिकार मानता है, महिलाओं को प्लेटो कहता है कि महिलाएं भी सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकती है, किंतु कौटिल्य ने शासन प्रणाली में स्त्रियों के स्थान को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है, स्त्रियों को कम महत्व दिया है, तो ये दोनों में असमानताएं हैं। अब अपन आज कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पढ़ा था, साठ गुणी नीति पढ़ी थी, चार उपाय पढ़े थे, और उसके बाद में अपन ने कौटिल्य और जो प्लेटो है इन दोनों का जो समानताएं और असमानताएं मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। अब आज की क्लास में इतना ही, अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अब अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।